गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड से स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 रुपए 50 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 1.5% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 1% की तेजी देखने को मिली है, परंतु 1 महीने में देखें तो इस स्टॉक में 15% की तेजी देखने को मिल रही है, 3 महीने में 14%, 6 महीने में 13% और 1 साल के अंदर 25% के पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखिए तो स्टॉक लगातार एक पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक की एक रुकावट रेंज थी अराउंड 85 रुपीज, 85 रुपीज से इस स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी जिसे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और यहीं से स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा और ये स्टॉक लगातार अपने हाई को ब्रेकआउट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाहते तो 90 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 105 रुपीज के लिए आप इसे स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में अगर ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। स्टॉक का नीचे का 85 रुपीज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर ट्रेड करेगा इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।